नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टेक के एक और वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंश्योरेंस को कैसे रिन्यू करा सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही इजी है, 5 मिनट में हो जाता है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको क्या करना होता है कि आप जाते हैं किसी ICICI लोम्बार्ड के शोरूम पे या तो किसी पेट्रोल पंप पे और वहां जाके आपको इसको कराना पड़ता है। ये एक हेक्टिक प्रोसेस है, आप चाहें तो इसे 5 मिनट में घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरीके होते हैं। पहला, आप देखेंगे आपने कोई नया व्हीकल खरीदा है, आपको उसका इंश्योरेंस कराना है। दूसरा, आपके पास एक व्हीकल है और उसका इंश्योरेंस हो रखा है लेकिन किसी और कंपनी से, आप चाहते हैं उस बार इसको ICICI से कराना। मान लीजिए पहले HDFC से था, इस बार उसको आप ICICI से कराना चाहते हैं। और तीसरा, आपका ICICI में ऑलरेडी इंश्योरेंस चल रहा है और वो खत्म होने वाला है तो आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं। तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे और बहुत ही ईजी प्रोसेस है, 5 मिनट लगते हैं पूरा इंश्योरेंस करने में और इंश्योरेंस आपके घर पर भी आता है और आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूं। तो इसकी वेबसाइट है ICICI लोम्बार्ड, आप इस पर क्लिक कीजिए। और मैं टू व्हीलर का करने वाला हूं तो मैं टू व्हीलर पे क्लिक कर देता हूं, आप अंदर चले जाइए। तो देखिए यहां पे ये 3 ऑप्शन दे रहा है आपको। पहला, बाय न्यू, अगर आपको बिल्कुल नया खरीदना है तो देखिए यहां पे ये ऑप्शन है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो यहां से दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से अपने टू व्हीलर का मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा एक्टिवा है तो 125 है मान लीजिए। यहाँ पे आप परचेज डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए और उसका सबमिट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। अगर आपका किसी और कंपनी में है तो आप यहाँ पे अपना पॉलिसी नंबर डालिए, मोबाइल नंबर और ईमेल डाल दीजिए। तो ये किसी अनदर इंश्योर है, मान लीजिए आपने किसी HDFC का लिया हुआ है और आप उसको ICICI में ट्रांसफर करना चाहते हैं। और ये तीसरा ऑप्शन है रिन्यू पॉलिसी, तो मेरे को यही करना है। मेरे पास पहले से पॉलिसी है ICICI की जो एक्सपायर होने वाली है, मैं उसको रिन्यू कर लेता हूं। तो सबसे पहले यहां पे पॉलिसी नंबर डालिए। पॉलिसी नंबर आपको आपके इंश्योरेंस पे मिल जाएगा जो आपने इंश्योरेंस ऑलरेडी कराया होगा। तो चलिए मैं डाल देता हूं यहां पे, ये मेरा पॉलिसी नंबर है। और अब आपको यहां पे 2 ऑप्शन है, एक इंजन की डिटेल्स या चेजिस नंबर। तो आप इंजन नंबर लीजिए, ये आपके RC में भी लिखा होगा और ये आपके इंश्योरेंस में भी लिखा होगा। तो मैं इंजन नंबर की हेल्प से कर लेता हूं, तो ये मेरा इंजन नंबर हो गया। उसके बाद मैं यहां पे सबमिट को क्लिक कर देता हूं। तो देखिए यहां पे इसने ये तीनों प्लान दिखा दिए हैं कि 1 साल का करेंगे तो आपको 2489 का पड़ेगा, 2 साल का करेंगे तो 4965 रुपए का पड़ेगा, 3 साल करेंगे तो ये पड़ेगा। तो मेरे को 1 साल का करना है, मैं 1 साल पे क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद देखिए यहां पे डिटेल्स हैं जिसके नाम से इंश्योरेंस है, अगर इसमें कुछ गलत है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये नॉमिनी की डिटेल्स हैं, जो आप अपना नॉमिनी रखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में आप उसकी भी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। देखिए इसने कैलकुलेट किया हुआ है 2489 और इसमें देखिए इसने रोड साइड असिस्टेंस भी डाला हुआ है और अननेम्ड पैसेंजर कवर भी डाला हुआ है। तो मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं दोनों को और उसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूं कि मेरा इंश्योरेंस कितना बनता है। उसके बाद देखिए लगभग 400 रुपए कम हो गए और ये 2089 का बना है। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें से अपनी जो, अगर आपको एडिशनल कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे को कुछ नहीं ऐड करना था, मैंने हटा दिया और अब मेरा ये 2000 रुपए का इंश्योरेंस बना। तो चलिए मैं रिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। देखिए उसके बाद ये आपको लॉगिन पेज पे भेज रहा है, आप चाहें तो अपना यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे रजिस्टर करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और लॉगिन करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो सीधा गेस्ट लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं सीधा गेस्ट लॉगिन पे क्लिक कर देता हूं। अभी आपका पेमेंट का पेज आ गया है, आप चाहे तो किसी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से या वॉलेट पेटीएम वगैरह से भी कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट करता हूं और अपने बैंक पे जाके मैं इसको पे कर देता हूं। तो ये मेरा ICICI का नेट बैंकिंग का पेज खुल गया, आप चाहें तो पेटीएम वगैरह से भी कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डाल के पेमेंट कर देता हूं और ये देखिए मैंने पेमेंट कर दी। उसके बाद ये वापस इस पे रिडायरेक्ट हो रहा है, ये रेटिंग पूछ रहे हैं, आप कुछ भी डाल दीजिए इसमें, आपको कैसा लगा ऑनलाइन करना। और ये देखिए उसने आपको पूरा दिखा दिया कि आपका पॉलिसी नंबर है, ये आपका सम इंश्योर्ड, स्टार्ट डेट, ये देखिए 1 फरवरी 2019 से
31 जनवरी 2020 तक मेरा इंश्योरेंस है, मैंने इतना इसमें प्रीमियम डाला है। यहाँ पे मैं जाके व्यू भी कर सकता हूँ अपनी पॉलिसी, देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये मेरी पॉलिसी जनरेट हो गई है, आप इसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस करके अपनी मशीन में, लाइक कुछ भी नाम दीजिए। आप चाहें तो इसका कलर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं और अपने साथ इसको रख सकते हैं। आपकी ये पॉलिसी इंश्योर हो चुकी है और ये बाय पोस्ट आपके घर पे भी आती है। तो इस तरीके से ये आपकी पॉलिसी बन गई, आप इस पॉलिसी को यूज कीजिए और घर बैठे बैठे आपका काम हो गया। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।